Students, welcome to the St. Angel's online classes. We are working from home. Students, in the last video we have completed the 17 group elements. Now we will discuss about the 18 group elements. These are also called as noble gases, as they have complete electronic configuration, and due to this complete stable electronic configuration, they do not easily react with any other elements. That's why these are called noble gases. Let's talk about their electronic configuration. They have NS2 NP6 outermost electronic configuration, except helium. Helium has only, because helium is a first period element, so it have only first shell. That's why it have electronic configuration 1s2. Neon 1s2 2s2 2p6. Argon 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Krypton 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6. So these are the electronic configuration of 18 group elements. Now, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल होता है, कंप्लीट होता है, इसलिए हम जानते हैं कि इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं होगा. दैट्स वाई इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है. दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. और डाउन द ग्रुप एज यूजुअल क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप. नेक्स्ट एटॉमिक रेडियाई, ये ना तो ये वैन डर वाल रेडियाई दिखाएंगे, ना ये आयनिक रेडियाई दिखाते हैं. दे ये मेनली क्या दिखाते हैं हमें, वैन डर वाल, सॉरी, ये ना तो ये कोवेलेंट रेडियाई दिखाएंगे, ना ये आयनिक रेडियाई दिखाएंगे, क्योंकि ये इजिली कोई बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं, इसलिए क्या दिखाते हैं, वैन डर वाल रेडियाई दिखाते हैं. नेक्स्ट एटॉमिक रेडियाई जो होती है इनकी, या वैन डर वाल रेडियाई जो होगी इनकी, क्या होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, या हम कह सकते हैं कि जो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें, ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होती है, हाईली पॉजिटिव होती है. यानी इनको अगर हमें इलेक्ट्रॉन गेन कराना है इनको, तो क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें इनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी हाईली पॉजिटिव होती है. नेक्स्ट बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. अब क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल है, जो इनके मॉलिक्यूल तो ये बनाते ही नहीं है, मोस्टली ये एटॉमिक फॉर्म में ही मिलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल है, तो ऑल आर मोनो एटॉमिक, कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस. सभी गैसेज होती हैं और सारी मोनो एटॉमिक गैसेज होती हैं, यानी कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता, केवल एक एक सिंगल एटम होता है. स्पेयरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि कोई अट्रैक्शन ही नहीं है वाटर के साथ, कोई पोलराइजेशन इफेक्ट ही नहीं है, कम्प्लीटली नॉन पोलर कंपाउंड्स है, इसलिए दैट्स वाई दीज आर स्पेयरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. कम्प्लीटली नॉन पोलर होने की वजह से इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है. इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है, डिस्पर्सिव फोर्स, जो आपने पढ़ा है ना 11th क्लास में, डिस्पर्सिव फोर्स या लंडन फोर्स. तो इनमें क्या होता है, बहुत वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इनमें वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एज दे हैव ओनली डिस्पर्सिव इंटरमोलिकुलर फोर्स. हीलियम जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी नॉन सब्सटेंस से सबसे कम होता है, 4.2 केल्विन. नेक्स्ट बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की. केमिकल प्रॉपर्टीज़, एज दे हैव कम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कम्प्लीट है, एंड दे हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सो दे आर लीस्ट एक्टिव. क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होने की वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए ईजिली कोई रिएक्शन नहीं दिखाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट नील बार्टलेट उन्होंने क्या किया था, एक ऑक्सीजन प्लेटिनम और फ्लोरिन का एक कंपाउंड बनाया था रेड कलर का, O2 पॉजिटिव PtF6 निगेटिव. यानी इन्होंने क्या किया था, PtF6 को लिया था, PtF6 किस रिएक्शन जब O2 के साथ कराई थी, PtF6 की रिएक्शन किसके साथ, O2 के साथ कराई थी, तो उन्हें एक रेड कलर कंपाउंड मिला, O2 पॉजिटिव PtF6 निगेटिव. तो फिर इन्होंने देखा कि जो O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, यानी जितनी एनर्जी O2 मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, उतनी ही एनर्जी ज़ीनोन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए. यानी O2 मॉलिक्यूल और ज़ीनोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सिमिलर है. तो उन्होंने सोचा कि जब
O2 PTF O2 जो है वो PTF6 के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो ज़ीनोन भी बना सकता है क्योंकि दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी सिमिलर है। तो फिनो ने ज़ीनोन के साथ ट्राई करके देखा और उन्होंने ज़ीनोन के साथ भी सेम तरीके का कंपाउंड बना लिया, एक्सी PTF6 नेगेटिव। तो ये जो था ये नोबल गैस का जो सबसे पहला जो कंपाउंड था वो क्या था, एक्सी PTF6 यानी ज़ीनोन का कंपाउंड था विद PTF6। कैसे बनाए, बाय मिक्सिंग PTF6 विद ज़ीनोन। सो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इंस्पायर्ड नील बार्टलेट टू प्रिपेयर अ ज़ीनोन प्लैटिनम फ्लोराइड कंपाउंड, ज़ीनोन एंड प्लैटिनम फ्लोराइड कंपाउंड। तो क्या चीज़ थी जिसने इंस्पायर किया उनको कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी O2 मॉलिक्यूल की और ज़ीनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी का सिमिलर होना, वो इस चीज़ ने उनको इंस्पायर किया था कि अगर O2 मॉलिक्यूल ये कंपाउंड बना सकता है तो ज़ीनोन भी इस कंपाउंड को बना सकता है। नेक्स्ट, ज़ीनोन फ्लोराइड कंपाउंड, ज़ीनोन फ्लोरिन कंपाउंड। ज़ीनोन जो होता है फ्लोरिन के साथ तीन कंपाउंड बनाता है, XCF2, XCF4 और XCF6। इनकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ज़ीनोन और फ्लोरिन की या तो डायरेक्ट रिएक्शन से कर लेंगे, ज़ीनोन और फ्लोरिन की डायरेक्ट रिएक्शन से अलग अलग कंडीशन में हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे XC+F2, अगर हम ज़ीनोन को एक्सिस में लें 673 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे तो हमें क्या मिलेगा, XCF2। XC+2F2 1:5 में अगर लेते हैं ज़ीनोन और फ्लोरिन को 1:5 में लेते हैं एट 873 केल्विन एंड 7 बार प्रेशर तो हमें क्या मिलेगा, XCF4। अगर हम ज़ीनोन को F2 के साथ लेते हैं 1:20 में एट 573 केल्विन टेम्परेचर एंड 60-70 बार प्रेशर तो हमें क्या मिलेगा, XCF6। अनदर तरीका क्या है, अगर हमें XCF6 बनाना है तो वो हम XCF4 से भी बना सकते हैं। XCF6 की रिएक्शन अगर हम O2F2 से कराए थे, आपने जब ऑक्सीजन फ्लोराइड पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था जो O2F2 होता है और OF2 होता है दोनों फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, दोनों फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, ईजिली अपने फ्लोरिन को किसी दूसरे कंपाउंड को या दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे O2 क्या करेगा, XCF4 को फ्लोरीन डोनेट कर देगा क्योंकि ये O2F2 क्या है, एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें, XCF2, XCF4 और XCF6 आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड ईजली सबलाइम। सबलाइम क्यों होंगे, क्योंकि नोबल गैस से कंपाउंड है, ईजिली पोलराइजेबल भी नहीं होते हैं ये, तो ईजिली क्या उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं बहुत कम होते हैं क्योंकि लेस पोलर होते हैं। नेक्स्ट, पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, क्योंकि ईजिली क्या कर सकते हैं, फ्लोरिन को डोनेट कर सकते हैं, ईजिली हाइड्रोलाइज किया जा सकता है इनको। जैसे XCF2 को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, XC+HF4O2 हमें दे देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इनकी स्ट्रक्चर, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर बहुत बार पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम्स में, तो इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे XCF6 है, XCF6 इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड करते हैं, सेंट्रल एटम की कौन है यहाँ पे, ज़ीनोन सेंट्रल एटम, तो वी मीन्स वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम कितने होंगे, 18 होंगे तो वी की वैल्यू 8 होगी। मोनोवेलेंट एटम, फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है, कितने फ्लोरीन है, 6 है यहाँ पे, तो एम की वैल्यू क्या होगी, 6, 8+6, -0+0, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आए, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। फॉर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर, आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन पेयर दे कंटेन 6 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, सो दैट्स वाई, क्योंकि आपको पता है जो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल में अगर एक लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री कैसी बनती, सॉरी शेप हमारी कैसी बनती है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई है। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट बात करते हैं XCF4। XCF4 में इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करते हैं, ½V+A -C+A, ½8+4 -0+0, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है। आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आर बॉन्ड पेयर एंड 2 आर लोन पेयर। आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, और क्योंकि दो लोन पेयर है तो इसकी शेप कैसी आ जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, एक ऊपर और एक नीचे लोन पेयर और बाकी 4 बॉन्ड पेयर, तो शेप कैसे आ जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। XCF2 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करते हैं, ½V+A -C+A, ½8+2, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 और मोनोवेलेंट एटम 2, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आर बॉन्ड पेयर एंड 3 आर लोन पेयर। तो आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्राइगोनल बायप्रैमिडल, और ट्राइगोनल बायप्रैमिडल में जो लोन पेयर है हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पर रखे जाएंगे,
तो जब हम तीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे तीन लोन पेयर लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगी, XCF2 की लीनियर शेप मिल जाएगी। मीन्स XCF2 कैसा होता है, लीनियर शेप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी रिएक्शंस की। ज़ीनोन जो होता है वो अभी हमने पढ़ाया कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। ज़ीनोन जो है मेनली XCF2 और XCF4 ये ईजिली ईजिली फ्लोरिन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ईजिली फ्लोरिन को एक्सेप्ट, ये XCF2, XCF4 और XCF6 तीनों ही क्या कर सकते हैं, फ्लोरीन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। तो अगर ये किसी फ्लोरीन एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट करेंगे तो अपना फ्लोरीन डोनेट कर देंगे, और अगर किसी फ्लोरीन डोनर के साथ रिएक्ट करेंगे तो अपने एक फ्लोरीन को क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर ये फ्लोरीन एक्सेप्टर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं जैसे XCF2 प्लस PF6, तो XCF क्या करेगा, अपना फ्लोरीन इसको डोनेट कर देगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, यानी क्या बनेगा, XCF पॉजिटिव और PF6 नेगेटिव। अगर जैसे फॉर अदर एग्जांपल SF SBF6, ये भी क्या है एक फ्लोरीन एक्सेप्टर है, तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, एक फ्लोराइड आयन जो होगा वो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक F3 रह जाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे छः फ्लोरीन हो जाएंगे और एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट XCF6 प्लस MF, MF यानी मेटल फ्लोराइड, M मीन्स NaKRBCS यानी NaF KF, RBF या CSF, ये क्या कर सकते हैं, ईजिली क्या कर सकते हैं, प्रोटो फ्लोरीन को डोनेट कर सकते हैं। तो XCF6 क्या करेगा, एक फ्लोरीन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, XCF6 नेगेटिव और मेटल पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैटायनिक या और एनायनिक स्पीशीज बना सकते हैं। नेक्स्ट ज़ीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड्स, ज़ीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, मेनली जो तीन ज़ीनोन जो होता है वो तीन ज़ीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड्स बनाता है, XCO3, XCO2F2O एंड XCOF4, तीन कंपाउंड्स बनाता है। इनको हम प्रिपेयर करते हैं किससे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ XCF2 या XCF4। अगर हम XCF6 की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस यानी जितने भी फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाएं, जितने भी फ्लोरीन है वो क्या हो जाएं, ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाएं, छः फ्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, फ्लोरीन की वैलेंसी एक होती है, तो छः फ्लोरीन हमेशा क्या होंगे, तीन ऑक्सीजन से रिप्लेस होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, एक जो दो फ्लोरीन है वो एक ऑक्सीजन से रिप्लेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे छः फ्लोरीन है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर इनको पूरी तरह हाइड्रोलाइज करा रहे हैं हम इसको, तो यहाँ पे छः फ्लोरीन जो होंगे वो तीन ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, XCO3 प्लस 6HF, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम XCF6 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, XCO3 और 6HF बनेगा। अगर हम इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं यानी दो H2O से कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, दो एच टू मीन्स दो ओ हैं, तो दो ओ क्या करेंगे, यहाँ से चार फ्लोरीन को खींच लेंगे और दो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएंगे, यानी क्या बनेगा, दो ऑक्सीजन और दो फ्लोरीन बचेंगे, चार तो एच के साथ चले गए, तो XCO2 F2 प्लस 4HF। और अगर हम एक एच टू के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो XCF6 प्लस H2O, तो यहाँ पे इस बार क्या होगा, एक ऑक्सीजन दो फ्लोरीन को खींच लेगा और ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, XCOF4 प्लस 2HF। यानी ये दो रिएक्शन कैसी हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की हैं, जबकि जो फर्स्ट रिएक्शन थी वो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन थी। नेक्स्ट अगर हम XCF4 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, XCF4 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनेगा, 6F XCF4 प्लस 12H2O गिव्स 4XC प्लस 2XCO3 प्लस 24HF प्लस 3O2। अब बात करते हैं शेप की। शेप एज यूजुअल हम पहले की तरह फाइंड कर सकते हैं XCO3। अब ऑक्सीजन कैसा है, यहाँ पे डाइवेलेंट एटम है, तो ऑक्सीजन को हम एम में काउंट नहीं करेंगे, एम में केवल क्या काउंट होगा, एफ काउंट होगा यहाँ पे, तो हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। XCO3 के लिए वी की वैल्यू, ज़ीनोन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एट, और एम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, जीरो, क्योंकि कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं है, ऑक्सीजन एक डाइवेलेंट एटम है, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, तो हाफ एट प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए, चार, आउट ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन पेयर थ्री आर बॉन्ड पेयर एंड वन इज लोन पेयर। सो शेप कैसी हो जाएगी, चार इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप कैसी बनती है, पिरामिडल शेप। तो XCO3 कैसा है, पिरामिडल शेप और एक एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं XCO2F2, इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करते हैं, हाफ वी प्लस ए माइनस सी प्लस ए, एट प्लस टू, क्योंकि यहाँ पे दो क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन कैसे है, मोनोवेलेंट, तो एट प्लस टू माइनस जीरो प्लस जीरो, तो पाँच इलेक्ट्रॉन पेयर, आउट ऑफ फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर फोर एटम्स आर बाइंडेड विद सेंट्रल एटम, सो आउट ऑफ फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर फोर आर बॉन्ड पेयर एंड वन इज लोन पेयर, एंड फोर फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर यू नो द ज्योमेट्री इज
ट्राइगोनल बायप्रैमिडल, ट्राइगोनल बायप्रैमिडल एंड इन ट्राइगोनल बायप्रैमिडल वन लोन पेयर विल बी प्लेस्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजिशन सो द शेप विल बी सी सॉ शेप। नेक्स्ट बात करते हैं XeOF4 इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे 8+4-0+0 तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ज्योमेट्री कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर 5 बोन्स आर बाइंडेड विद द सेंट्रल एटम सो 5 आर बोन्ड पेयर एंड 1 इज लोन पेयर। तो व्हेन वी पुट अ लोन पेयर द ज्योमेट्री शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल, यानी ऑक्टाहेड्रल में हम क्या करेंगे एक लोन पेयर रख देंगे तो कैसी शेप आ जाएगी हमारी स्क्वायर पिरामिडल। स्टूडेंट्स नाउ वी हैव कंप्लीट द चैप्टर पी ब्लॉक, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स।